हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, यहां पे जो इस वीडियो में हम अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं वो देने वाले हैं यहां पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एक जो है नोटिस जारी किया गया है, जो कि यहां पे फ्रेंड्स डीएलएड से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों का यहाँ पर डीएलएड रजिस्ट्रेशन को लेकर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। वही नोटिस में इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट जो है देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और डीएलएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के द्वारा आप लोगों को डीएलएड से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यहां पे डीएलएड सत्र 2020-22 के लिए एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहां पे जो है बातें बताई गई है। जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि जो भी छात्र 2020-22 में एडमिशन लिए थे उनका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तिथि जो है यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहाँ पे अध्यक्ष, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर के द्वारा जो है यहाँ पर जारी किया गया, और सभी शिक्षण संस्थानों के जो भी यहाँ पे जो है प्राचार्य हैं उनको यहाँ पे नोटिस जारी करके बताया गया है कि आप लोगों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 22/6/2021 से 5/7/2021 में यहाँ में होगा। तो आप लोगों को किस तरह से रजिस्ट्रेशन करने है उसके लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप लोगों का जिस भी प्रशिक्षण संस्थान में आप लोगों का एडमिशन है वहाँ के प्राचार्य जो है इस वेबसाइट पर जाके यहाँ पर जो है फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों को जो उसे फिलअप करना होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि इस नोटिस में बहुत ही क्लियर रूप से सभी जानकारी दी गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 21/6/2021 से डाउनलोड कर अपने संस्थान के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोगों को जो है आपका फॉर्म जो है वो आप लोगों के कॉलेज में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फॉर्म लेके फिलअप कर लीजिएगा। आप फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को जो शुल्क वहाँ पर लगने वाला है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों का जो शुल्क लगने वाला है वो 400 रुपये शुल्क लगेंगे। 400 से अधिक रुपये आप लोगों को कॉलेज में नहीं देना है, सिर्फ आप लोगों का 400 रुपये ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुल्क यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आप लोगों को यहाँ पे जो है जिसका कि आप लोगों को जो भुगतान करना है वो 7/7/2021 तक करना है। तो आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है वो आप लोग जो है 7/7/2021 से पहले कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा, जो कि आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डमी कार्ड जो जारी होगा वो आप लोगों का यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा भरे गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म समिति के द्वारा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे seniorsecondary.biharboardonline.com पर आप लोगों का 6/7/2021 को जारी कर दिया जाएगा। तो 6/7/2021 को आप जो है इस वेबसाइट पे जाके अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप लोग वहाँ पे जो है 7/7/2021 से 9/7/2021 तक उस वेबसाइट पे जो है अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, डीएलएड रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जो भी आप लोगों की जानकारी होगी वह आप इस हेल्पलाइन नंबर से भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ये नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों को ये नोटिस डाउनलोड करना है तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को डीएलएड से रिलेटेड जो भी आप लोगों की जानकारी हो वो ग्रुप के माध्यम से भी आप लोगों को मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और डीएलएड से रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में सवाल हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।